हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पास्टर के एमसीक्यूज, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवोल्यूशन, जॉब डिज़ाइन का एक क्वेश्चन आएगा, जॉब एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट का पार्ट उससे रिलेटेड, और इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट से रिलेटेड। तो अराउंड 19 क्वेश्चन थे हमारे जो मैंने आपको जब PDF दी थी, लेकिन उसमें से मैंने दो हटा दिए हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है, मेरिट रेटिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं टोटल मिला के 17 क्वेश्चन, दो मैंने हटा दिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका किससे रिलेटेड है, कंपनसेशन से रिलेटेड ही है। कैटेगरी ऑफ कंपनसेशन आपको दे रखी है और कंपनसेशन प्लान आपको दे रखा है, मैच करना है, जून 19 का है ये। जब एग्ज़ाम में आया था तब मेरे को भी नहीं आता था, तो मैंने कैसे एस्टिमेट करके लगाया था, कहने का मतलब कैसे एलिमिनेट किया था, वो भी पार्ट आप देख लेना जब मैं आपको बताता रहूँगा। साथ साथ मैं आपको पिछले जो पार्ट आपको बताए थे वो भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। देखिए, दे रखा है पे फॉर टाइम नॉट वर्क, इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम आपने काम नहीं किया उसके बदले में आपको पे मिल रहा है, ठीक है। यानी आप लीव पे हो तब भी आपको पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो, देखो क्या दे रखा है, सिक लीव आपको, और कहीं तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सेविंग प्लान्स, स्टॉक ऑप्शन, पेंशन, लो कॉस्ट मील, ठीक। तो जब आपको अगर पता रहता तो आप सिक लीव को ही लगाते, क्योंकि इसके अलावा आप बोलोगे सर कौन सी और होती है। देखो जैसे मैंने बताया मदर को बेबी होने वाला है, ठीक है, तो बेबी होने वाला है, होने वाली है, जो भी है, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक तरीके से मैटरनिटी लीव ले लेती है, ये भी होता है, जो कि एक तरीके से 26 वीक है जनरली, मैंने बताया उससे रिलेटेड होती है, तो उसमें उसको एक तरीके से पे भी मिलता है। इसी तरह पैटर्निटी लीव भी होती है कि बच्चों की देखभाल के लिए और मदर की देखभाल के लिए, पेरेंट भी क्या करता है, यानी पति भी क्या करता है, हस्बैंड, वो भी छुट्टी ले लेता है 15 दिन समथिंग की, ऐसे वो अलाउ होती है, तो उसमें भी आपको क्या मिल जाती है, गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ तो वो एक तरीके से मिल जाती है। प्राइवेट में तो जो भी हो वो चलता है, एक तरीके से बोल सकते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। तो वो एक तरीके से किसका पार्ट आ गया, सिक लीव से रिलेटेड पार्ट आ गया। तो सिक लीव, मैटरनिटी लीव, पे लीव, और वो देखो हॉलीडे पे मिल रहा है एक तरीके से आपको, कि आप हॉलीडे पे हो तब भी आपको पे मिल रहा है, यानी आप घूमने गए, आप काम नहीं कर रहे तब भी आपको पे मिल रहा है, ये पार्ट आ गया। तो आपका ये तो आएगा, देखो फोर्थ, तो फोर्थ देख लिया किस में आ रहा है, बी और सी में आ रहा है, तो आपका ए एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। तब तो मेरे को तब भी नहीं पता था, फिर मैंने सर्विसेज एंड परक्विजिट देखा तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ लो कॉस्ट मील पे, क्योंकि परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, फैसिलिटी। फैसिलिटीज अगर आपको पता नहीं रहता तो इनकम टैक्स के हिसाब से सोच लीजिए या कीजिए कि फैसिलिटीज़ मतलब क्या हुआ। एक तो अलाउंस होता है जिसमें जनरली क्या होता है, आपको पता है कि जो असेसी बोलते हैं उसको, यानी जो एम्प्लॉय बोलते हैं जिसको सैलरी मिलती है, तो उसको क्या अलाउंस भी मिलता है, 2000 रुपये पर मंथ, मेडिकल अलाउंस मिला, हाउस रेंट अलाउंस मिला 4000 रुपीज़ पर मंथ, ऐसे। तो आपने HRA, DA, CCA, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंस देखे होंगे, ट्रैवल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, तो वो सारे अलाउंस के क्या है, अमाउंट शुरू में मिल रहा है। अब उससे ज़्यादा खर्च करते हो तो आपको ही पे करना पड़ेगा, कम करते हो तो जो बच गया वो आपका पैसा है अलाउंस में। परक्विजिट्स मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से फैसिलिटी दी है कि यहाँ जाके घूम के आओ, ये पैकेज दे रहा हूँ मैं, ये होटल है यहाँ पे जाके रह के आओ गोवा में, ठीक है, ये क्लब फैसिलिटी दे रहा हूँ, ये कार फैसिलिटी दे रहा हूँ। आप देखते हो ना, कार देता है एम्प्लॉयर अपनी, चाहे उसकी रेंट पे है चाहे खुद की है, लेकिन वो क्या करता है आपको कार की फैसिलिटी देता है, ऑफिस के लिए भी देता है, और कोई कोई क्या करते हैं ऑफिस और प्राइवेट दोनों पर्पज के लिए देते हैं, ठीक। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हो गई, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, तो देखो हाउस रेंट अलाउंस अलग होता है जिसमें आपको अलाउंस मिला भत्ता, और फैसिलिटी मतलब क्या हुआ, आपको उसने क्या कर दी, जगह दे दी, चाहे वो खुद की उसकी है या उसने रेंट पे ली हुई है। इसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ठीक है, माली हो गया, गार्डनर वार्डनर हो गया, उसकी फैसिलिटी दे दी आपको। तो परक्विजिट्स मतलब क्या हो गया, आपको अमाउंट नहीं दे रहा, आपको क्या कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, ठीक। तो यही पार्ट आया। तो ये देखो लो कॉस्ट मील हो गई एक तरीके से, जिसमें आपको कम देना पड़ रहा है, तो वो सर्विसेज के साथ आ गया ना, इसलिए लिखा हुआ है, तो इसलिए आप इसको फिफ्थ यहाँ मानोगे। तो देखो फोर्थ फिफ्थ यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में ही है। तो इस केस में क्या आगे बढ़े, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये मेरे को इसके थ्रू क्या हो गया, आंसर आ गया था। प्रोटेक्शन प्रोग्राम का मतलब मुझे पता था, प्रोटेक्शन मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय का प्रोटेक्शन, काई के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, जब वो रिटायर होगा तो उसको सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए, तो उसको पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, वो पार्ट आ गया। तो मेरे को ध्यान आ गया था, वो था अपना इसमें सी वाले पार्ट में, तो बी अपना था आंसर, 4, 5, 3। अब देखो डी का, देखो इंसेंटिव, इंसेंटिव जानते हो आप क्या होता है, जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तब जाके क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करता है, अमाउंट पे करता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आपको बताए थे मैंने। तो वह बोनस, बोनस भी एक तरीके से मिल रहा है, वो भी इसमें आ सकता है, अगर वो एक तरीके से पे स्केल का पार्ट नहीं है और वह एक्स्ट्रा पार्ट के लिए जो आप वर्क कर रहे हो। इसी तरीके से मैंने नॉन फाइनेंशियल में भी बहुत सारे आपको पार्ट बताए थे। नॉन फाइनेंशियल में क्या बताया था, हाँ स्टेटस बताया था, रिकग्निशन बताया था, वर्कर पार्टिसिपेशन बताया था, इसके अलावा टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान बताए थे, उसमें इंडिविजुअल बताए थे, टेलर, मेरिक, हालसे, रोवान, ध्यान रखो। उसके बाद मैंने बताए थे अराउंड 10 बताए थे, ये दो उसमें और जोड़ दिए थे मेरिट पे ये नाम से। लेकिन इसके अलावा आप याद रखो कि मैंने आपको ग्रुप बताए थे, ग्रुप वाले में क्या बताए थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान,
एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, फैंटम प्लान, इस तरीके से मैंने प्लान बताए थे बहुत सारे, ठीक है। और वो भी बताया था प्रॉफिट शेयरिंग या गेन शेयरिंग, इस तरीके से मैंने बताया था ग्रुप वाले प्लान। फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में भी मैंने आपको स्कैनलॉन प्लान ये बताया था। तो देखो इंसेंटिव पे कहाँ आएगा, आप देखिए स्टॉक ऑप्शन वाले पार्ट में ये रहा, ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रही है तो आपको एक तरीके से क्या मिल रहा है, स्टॉक ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरीके से बिजनेस के लिए ही काम करते रहो और बिजनेस में ही लगे रहो। एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जनरली ये। फिर उसका डेफर्ड पे, डेफर्ड पे का मतलब क्या हुआ कि आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा रोक के एक तरीके से सेव करते जा रहे हैं और बाद में आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो सेविंग प्लान, तो जैसे पीएफ वीएफ का हो गया अमाउंट जो कि एक तरीके से काटा जाता है और कब मिलता है, जब आप रिटायर होते हो या आप छोड़ के जाते हो तो तब आपको क्या मिल जाता है, वो अमाउंट मिल जाता है, वो सेविंग प्लान हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे हो गया 4 5 3 2 1, ठीक है 2 1, आप चाहे देख सकते हैं इसका आंसर होगा बी। अब सेकंड का देखिए, सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है, वही लिस्ट वन लिस्ट टू क्लेम्स। अब आपको पता है कि देखो मैंने अभी अभी आपको परक्यूजिट्स में इतना गला फाड़ के बताया कि क्या क्या है, कार फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, पेड हॉलीडेज आपको दे दिए, यानी ये भी फैसिलिटीज़ ही है क्योंकि आपको खुद तो कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, आपको वहाँ जाके घूम के आ रहे हो आराम से, 5-स्टार होटल में नाश्ता वास्ता खा के आ रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच का पता नहीं आपको दे ना दे पर ब्रेकफास्ट तो मिलता ही है। इसके बाद देखो फर्निश हाउस हो गया, यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे सी का देखो फर्स्ट पार्ट है, तो देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये काट दो, ये काट दो, बचाइए। अब क्लेम्स देखो, क्लेम्स कहाँ था, क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लेम दे रही है और एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मिल रहा है, मिल रहा है तो मतलब क्या होगा, देखो कैंटीन तो नहीं मिलती, यूनिफॉर्म तो क्या है, मिलती है, यूनिफॉर्म क्या है, ड्रेस, तो वो क्लेम्स के पार्ट में तो नहीं है। यहाँ पे हम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अलाउंस, 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 अलाउंस मतलब क्या होता है, एक अमाउंट मिलता है, तो ये देखो अलाउंस का पार्ट आ गया। फ्रिंज बेनिफिट्स, तो नॉर्मल जो आपको क्या है, आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के चलते हुए आपको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो बेनिफिट मिलते हैं वो ये फ्रिंज बेनिफिट बताते हैं, कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ, हाउस वाउस, ऐसे बहुत सारी अलग अलग होती है आपकी, तो वो सारा पार्ट इससे रिलेटेड आ जाएगा। तो थोड़ा आपको परक्यूजिट्स का पता करना था, ये तो अपने आप पता चल जाता। तो ये भी मैंने दिसंबर 18 का जब दिया, देखो मैंने भी दिए हुए एग्ज़ाम जैसे आप देते रहते हो वैसे मैंने भी दिए थे ऐसे ही, तो उस हिसाब से मैंने भी दिए थे, तो कभी मेरे सही गए कभी नहीं गए। लेकिन अब आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है, अप्रोच तो रखनी पड़ती है। तो सेकंड का जो आंसर क्या होगा वो बी 2 3 1, यानी पढ़ना तो पड़ता ही है, पढ़ने के बिना कुछ नहीं होगा। अब आपको बोला थर्ड स्टेटमेंट वन, द थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज डाई एवरी डे इन फैक्ट्री ड्यू टू एक्सीडेंट। रियल बात है, इंडिया में जब भी आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर ही देख लो, आपके जो भी अखबार में जो भी अखबार आती है उसमें आप जब भी देखते हो कभी फ्रंट पेज पे आता है कि एक्सीडेंट की वजह से इतने वर्कर मारे गए जनरली, तो आपको पता है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फैक्ट्रीज़ में कुछ नहीं रखा जाता, क्योंकि जो ओनर होता है एक तरीके से वो जो लोअर जो बोल सकते हैं एक तरीके से ऑपरेशनल फोर्स होती है उनके लिए इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, उनके लिए नहीं रखता वो, कुछ कुछ होंगे जो रखते होंगे टॉप मैनेजमेंट के जो पर्सन है ओनर है, लेकिन बाकी सारे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वो एक तरीके हाई लेवल पे काम करते, तो उनको क्या होता है वो इतने ज़्यादा क्या करते हैं, देखते नहीं है पर्सन को, जनरली सुपरवाइजर ही होता है तो उनको इतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं रहती है। लेकिन यही क्या है, सही नहीं है, ह्यूमनिटी के हिसाब से सही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन क्या बोलेंगे, सही है, खूब जने मरते हैं। स्टेटमेंट टू, टू मेक एन एक्सीडेंट फ्री प्लांट एड्स टू कॉस्ट एंड डिक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। देखो क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए प्लांट क्या होगा, प्लांट यानी कहने का मतलब जो इंडस्ट्रीज है उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, कि अगर एक्सीडेंट फ्री बनाना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताओ कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, जब आप पर्टिकुलर मशीन चलाना सिखाओगे तो उनको ये भी बताओगे ना कि कैसे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के चीज़ें करनी है, और आप क्या करोगे, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट तो आपको रखना है साइड में, इतनी ज़्यादा कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी। और बताओ अगर तुम्हारा वर्कर ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी तो गिरेगी ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो, सॉरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी थोड़ी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक्सीडेंट फ्री बनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है, बल्कि वर्कर रहेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अगर वर्कर रहेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर स्किल्ड लेबर की मान लो डेथ हो गई तो एक तरीके से तो आपका नुकसान हो गया, तो इसका मतलब फ़ायदा क्या है, अगर आप एक्सीडेंट फ्री बनाओगे आराम से, प्लांट में सिक्योरिटी के सेफ्टी के इक्विपमेंट रखोगे तो एक तरीके से लेबर को चोट नहीं लगेगी, नुकसान नहीं होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, कॉस्ट आपकी कम लगेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। सी, ये आपको अपने हिसाब से सोच के बताना था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई आदमी देख के भी बता दे। देखिए असर्शन में क्या दे रखा है, कंपनसेशन हैज़ टू वाइटल डोमेन, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो देखो इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, जैसे मनी के टर्म में हो गया, ये मान के चलो आपको पता है कि मॉनेटरी कॉन्सेप्ट भी होता है एक तरीके से, कंपनसेशन में क्या मिलता है, सैलरी बोनस ये सब कुछ मिलता है जो कि एक तरीके से क्या मनी टर्म में होता है। और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया, आपको एक क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन भी चाहिए,
एक स्टेटस भी चाहिए, एक रिकग्निशन भी चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त अमाउंट की बात करते हैं, थपथपी भी चाहिए। तो कंपनसेशन में ये बोल रहा है कि जनरली इसमें हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, जब भी पे स्केल डिसाइड करते हैं तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना पड़ता है और साइकोलॉजिकल की जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होगा। साइकोलॉजिकल मतलब क्या है, उसके माइंड, उसके इंटेलेक्चुअल पार्ट, तो वो जो उसका मेंटल एक तरीके से पार्ट है उससे रिलेटेड देखते हुए, उसकी मेंटल सोच रखते हुए कि वो किस चीज़ में रिलीफ फील करेगा, उस हिसाब से आप क्या करते हो, पे स्केल तय करते हो। ठीक है, साथ साथ उसको स्टेटस, ये रिकग्निशन, अचीवमेंट, ये भी प्रोवाइड करते जाते हो। तो आपको बोल रहा है कि इसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों आते हैं। अब देखो रीजन, देखो कंपनसेशन बेसिकली रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सही बात है, क्योंकि पे स्केल डिसाइड होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर का, और उसमें क्या होता है, पे स्केल डिसाइड होती है। लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना है क्या? अगर कोई अच्छी लाइन आती जिसमें क्या बोलता कि इसमें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि हाँ रीजन एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहाँ पे यहाँ रखना कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था कि ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सारे अमाउंट ऐड करता है कंपनसेशन में, तब मैं बोलता कि रीजनिंग बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक, फोर्थ का क्या होगा, बी। फिफ्थ देख लिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि असर्शन में ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली गेटिंग डीजॉब्ड, और दूसरा जॉब्स आर बिकमिंग मोर अमॉर्फस एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन। देखिए पहली लाइन ढंग से पढ़िए, अगर आपको पर्टिकुलर डी जॉब का मतलब नहीं पता होगा तो आप गलती करोगे। लोगों को क्या लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंगली गेटिंग डी जॉब, मतलब क्या हो गया कि हम जॉब नहीं दे रहे। कभी कभी ऐसा लगता है ना, डी जॉब का मतलब ही नहीं होता। डी जॉब का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ाई जा रही है, यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उसका पार्ट लिखा था कि आपका ये डिस्क्रिप्शन होगा पार्ट, इतना आपको एक तरीके से काम दिया जाएगा, वर्किंग कंडीशन ये रहेगी, लेकिन उस वर्किंग कंडीशन में जो वर्क है, टास्क है, उसको यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सर्विस कंपनीज बहुत सारी आती जा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करता है तो सर्विसेज का पार्ट भी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता जाता है। तो उस केस में क्या आपको ऐसे वर्कर की नीड होती है जो बहुत सारा काम कर सके, लेकिन आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में जो बताया उससे ज़्यादा करवाते जा रहे हो, तो वो एक तरीके से क्या है, डी जॉब का पार्ट आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनी के जॉब से रिलेटेड है, और एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं कि जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना वही मत करो और काम करो। अब कुछ वर्कर तो खुश होंगे क्योंकि बोल रहे हैं कि यार हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, कुछ वर्कर क्या बोलेंगे, यार दे रहे 20,000 हैं, करवा रहे 30,000 का काम है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रीजन क्या है इतना सारा करने का, क्योंकि देखो जॉब्स आर बिकमिंग मोर अमॉर्फस एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन, तो आपने जो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जॉब को डिफाइन किया वो अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, शेपलेस जॉब, बहुत ज़्यादा क्या हो गए, शेपलेस हो गए, यानी जो हमने शेप बनाई थी कि इतना ही जॉब करेंगे उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है, जनरली ये हो गया, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि पर्टिकुलर एक वर्कर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि वर्कर की भी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तो पर्टिकुलर हमने वर्कर को बोला कि आपको ये जॉब करना है तो वो बोलेगा कि मेरे को पर्टिकुलर दूसरा काम भी आता है, तो अपने आप ही वो क्या करता है, एक और काम ले लेता है, तो उसका भी टास्क एक तरीके से हम बढ़ा देते हैं। तो एक तरीके से बोल रहे हैं कि जॉब की जो हम पोजीशन तय करते हैं उसको डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि वो फिर क्या करता है, सब काम करता है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी एक तरीके से कोऑपरेट करता है, फिर उसके साथ साथ कभी क्या होता है कि मान लो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में कमी हो रही है वर्कर की, तो वहाँ जाके भी जॉब करने लग जाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि जॉब पोजीशन जो भी क्रिएट की गई है वो कभी कभी शेपलेस हो जाती है और डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। और इसमें भी यही बोला था कि डी जॉब का मतलब क्या हो गया, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई और एक तरीके से जो दायरा है जॉब का उससे भी आगे लेके जाया गया उसको, एक तरीके से बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ये फिफ्थ का आपका जो पार्ट आ गया वो हो गया डी। इसके बाद सिक्स्थ देखिए, देखो ये जनवरी 17 में आया था, क्या पता वापस से आपके आ जाए इस टाइप से। इन हाल से इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू वर्कर इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव डिवाइडेड बाय रेट पर आवर। ठीक, अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ बोनस पेड टू वर्कर इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय रेट पर आवर लगता है या मल्टीप्लाइड होता है? देखो मैंने, अगर आप इन्हें एक बार फॉर्मूले में जाके देखना, देखो मैं जाऊँगा टाइम जाएगा, इससे अच्छा क्या करना पीडीएफ में देख लेना एक बार जरूर, टाइम सेव्ड और मैंने यहाँ पे रेट बताया था। इधर मैंने जो बताया था जनरली, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा हाल से की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में मैंने क्या करा था, 50% लिया था। क्या लिया था, एक मैंने 33.33 बताया था, लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर आप क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा और अगर साइंटिफिकली देख रहे हो तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, 50% ले लोगे।
50/100 इंटू टाइम सेव्ड, इंटू टाइम सेव्ड का मतलब क्या होता है, टाइम जो आपने लिया है और जो टाइम आपको दिया है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, माइनस एक्चुअल टाइम, इसको हम बोलते हैं टाइम अलाउड, इसको हम बोलते हैं टाइम टेकन, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम बचा उससे रिलेटेड मल्टीप्लाइड करोगे तो ये बोल रहा है टाइम सेव डिवाइड बाय, गलत हो गया ये, तो ये गलत है, हमें क्या पता करना है, करेक्ट पता करना है, तो ये गलत है। इन रोवान इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू एम्प्लॉई इज इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ द टाइम सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम, बिल्कुल ठीक है। देखो प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड टू द स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि देखो टाइम सेव्ड था उसका स्टैंडर्ड टाइम से क्या प्रपोर्शन है, ठीक है, तो इन टू टाइम सेव तो ऊपर है और यहाँ पे जो आता था वो क्या आता था स्टैंडर्ड टाइम और यहाँ पे क्या आता था एक्चुअल टाइम, तो 50% की जगह क्या आता था यहाँ पे, जैसे देखो मान लो कि 10 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम है और आपको कितने घंटे के लिए आपने काम कर लिया, कितने घंटे में काम कर लिया, 7 आवर में, तो 7/10, 8/10, तो हम क्या बोलेंगे 20 सही है, इसका मतलब बाकी गलत होंगे। फिर भी देख लीजिए, इन टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये जो मैंने पहला टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान बताया था इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, उसमें पहला यही बताया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसमें मैंने बताया था देखो 10 रुपीज़ पर यूनिट, 40 रुपीज़ पर यूनिट ऐसे डिसाइड होता है मान लो जो भी, तो इसका मतलब क्या हो गया पर यूनिट के बेसिस पे हो रहा है, इसलिए इसको पीस रेट बोल रहे हैं। पहली चीज़ तो ए वर्कर हुज आउटपुट एक्सीड स्टैंडर्ड आउटपुट इज पेड 100% ऑफ पीस रेट, गलत है ये तो, एंड ए वर्कर हुज आउटपुट फॉल शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड इज पेड ओनली 50% ऑफ पीस रेट, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था कि कॉस्टिंग की अगर बुक देखोगे, वैसे मैंने वहाँ लिखा नहीं था लेकिन मैंने आपको बोल के बार बार बताया था कि अगर आप बुक देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ, और ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट तक का पार्ट है तो आपको क्या मिलेगा हाई रेट, ठीक है, अगर आपने स्टैंडर्ड आउटपुट तक बना लिया तो आपको क्या मिलेगा हाई रेट, ठीक है, और इससे कम बनाया तो क्या मिलेगी लो रेट, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट तक बना लिया या उससे ज़्यादा बना दिया तो हाई रेट मिलेगी और स्टैंडर्ड आउटपुट से कम करोगे तो लो रेट, लेकिन कितनी है वो नहीं लिखी हुई थी, जहाँ नेट पे भी देखोगे तो जनरली नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी कॉस्टिंग की जो बुक है मेरे पास उसमें क्या लिखा हुआ था 120% अगर स्टैंडर्ड तक हमने बना लिया या उससे ज़्यादा बना दिया तो 120% ऑफ रेट, जो भी रेट यानी पीस रेट है उसका, ठीक। जैसे हमने बोल दिया कि 10 रुपीज़ पर यूनिट है तो 10 का 120% 12 रुपये पर यूनिट मिलेगा आपको, तो जैसे आपने 100 यूनिट बनाई तो 12 × 100, ठीक। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड जैसे बोला था कि आपको एक दिन में कितनी बनानी है 10 यूनिट बनानी है और आपने 8 यूनिट ही बनाई, तो इसका मतलब क्या हुआ आपने कम करा स्टैंडर्ड से, तो आपको कितना मिलेगा 80% मिलेगा, कितना मिलेगा 80% ऑफ रेट। तो जैसे आपकी रेट मैंने बताया 10 रुपये है तो 10 रुपये का 80% कितना हो गया 8 रुपीज़ पर यूनिट हो गया, तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। द रोवान इंसेंटिव प्लान इज द बेस फॉर ऑल अदर इंसेंटिव पेमेंट प्लान, हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोवान क्या होता है टाइम से रिलेटेड होता है, ओवर से रिलेटेड होता है, जैसे ये पीस रेट था ना वैसे ये रोवान जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, क्या बोलते हैं उसको कि पर आवर, लेबर रेट पर आवर, एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि 10 रुपीज़ पर आवर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 15 रुपीज़ पर आवर ऐसे हो गया जनरली, तो आपको पता है कि वो टाइम बेसिस पे, जबकि आपको कुछ प्लान पता है जो कि क्या होते हैं टाइम बेसिस पे भी होते हैं और पीस रेट बेसिस पे भी होते हैं, जैसे अपना गैंट प्लान आ गया, इमर्सन आ गया, मेरिक आ गया, तो कुछ तो मिक्स भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि रोवान के बेसिस पे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे आंसर क्या है इसका 6 का B है। चलिए फटाफट देखते हैं 7th में क्या बोल रहा है, 7th में बोल रखा है द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द वेज मिक्स इंक्लूड, इसका मतलब जो कंपनसेशन पे करते हैं या पे सैलरी पे करते हैं उसमें दो फैक्टर आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं, ये चार चीज़ें आपने देख ली, चार फैक्टर, तो देखो नीचे मैंने फैक्टर कवर कर लिया। इंटरनल में क्या रहा है, कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स अफोर्डेबिलिटी, वर्थ ऑफ जॉब, एम्प्लॉयज वर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू पे, जॉब एनालिसिस, तो एम्प्लॉयज रिलेटेड फैक्टर, आप सोचिए कि ये सारा पार्ट कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पार्ट, तो एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स, जॉब एनालिसिस कौन करता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, अब वो कौन करते हैं, मैनेजर्स ये जनरली करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कितनी है पे करने की, तो आप खुद देख लीजिए, रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, बिल्कुल ठीक है, ठीक, रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब आ गया। एरिया वेज रेट, आप देखिए कि जो पर्टिकुलर आपके आसपास के एरिया की वेज रेट क्या चल रही है, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर पे, उसमें जनरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एरिया की वेज रेट का ये रहा, देखो प्रिवेलिंग वेज लेवल ये आ गया। फिर उसी तरीके से एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू पे, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, तो ये आएगा अपना बी। मैन पावर मार्केट कंडीशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देखो मैन पावर मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो एक्सटर्नल फैक्टर एक बार देख लेना, लेजिस्लेशन, ग्लोबलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी, कंपनसेशन सर्वे, लेबर यूनियंस, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसके बेसिस पे वेज मिक्स डिसाइड होता है या हम बोल सकते हैं पे स्केल डिसाइड होता है। तो इंटरनल में क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड, तो आंसर क्या होगा 7th का B।
अब एट देखिए, या देखिए बोल रहा है असर्शन में, जॉब एवोल्यूशन इज एसेंशियली अ जॉब रेटिंग प्रोसेस नॉट अनलाइक द रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की रेटिंग करनी है तो वो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा. तो बिल्कुल ठीक है, आपको मैंने बताया था, इट इज़ असेस ऑफ जॉब नॉट ए पीपल. ये लोगों का असेसमेंट नहीं है, ये किसका है, जॉब की वर्थ पता करनी है, जो कि किसके साथ पता करनी है, कि नॉर्मल आपके सेम डिपार्टमेंट की जो सेम, अगर हम बोलेंगे कि सेम जॉब लेवल है, उस जॉब लेवल तक की जो डिपार्टमेंट की एक तरीके से वेजेस है वो कितनी देनी दी जानी चाहिए, और आपके डिपार्टमेंट की जो सेम लेवल का जॉब है उसको कितनी वेजेस दी जानी चाहिए या सैलरी दी जानी चाहिए. तो वो डिसाइड कर रहे हो किसके बेसिस पे, जॉब की वर्थ के बेसिस पे. वैसे आप ये भी डिसाइड कर रहे हो कि दूसरे अगर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो अगर क्या करते हैं आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो भी क्या करते हैं अमाउंट जो पे करते हैं तो आप भी कितना पे करोगे, ताकि एक कंपटीशन बना रहे. आपको पता है कि आपके यहाँ भी अकाउंटेंट की जॉब है, मैंने बताया था, और बाहर दूसरी कंपनी में भी अकाउंटेंट की जॉब है. वहाँ पे अगर 30,000 देते हैं पर मंथ के, तो आप भी कितना दोगे. तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस के हिसाब से देखोगे और उसके हिसाब से वर्थ लगाओगे और उसके आसपास आने की करोगे, ताकि एक तरीके से कॉम्पिटिशन बना हुआ रहेगा. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कम दोगे तो जो कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉई है, जो टैलेंटेड एम्प्लॉई है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की करेगा. इसलिए हम क्या करते हैं, जॉब एवोल्यूशन करते हैं, ताकि जॉब की वर्थ पता की जा सके. इट इज़ ए प्रैक्टिस विच सीक्स टू प्रोवाइड ए डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग द कंपेरेटिव वैल्यू ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अमॉन्ग सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, जाके देख लेना, जॉब एवोल्यूशन में लिखा हुआ है. तो ये बोला विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अमॉन्ग सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, ए और आर दोनों ट्रू है. एट्थ का क्या आएगा, आपका ए आएगा. फिर आपको ये बोल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर इंक्लूड्स. तो देखो ये तो नॉर्मल था, यानी इसको देखते ही पता चल गया कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर के लिए क्या क्या बनती है, कि एक तो इसको फेयर वेजेस पे करें, उसके अलावा इसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन दे, इंस्टॉलेशन ऑफ एन एफिशिएंट ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रॉब्लम. जो भी इसकी शिकायतें हैं, जो भी इसकी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए एक इफेक्टिव ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम बने, बिल्कुल ठीक. वेलफेयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे. हाँ, पर्टिकुलर किसी किसी केस में, जैसे बच्चों की एजुकेशन, इनसे रिलेटेड पार्ट होता है, लेकिन ये कोई प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि अपने पास क्या है, चार ही पार्ट है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो, अगला देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन, ताकि उसको अच्छी से अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले. और आपको पता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में भी यही देखा जाता है कि वर्किंग कंडीशन ही होनी चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ. तो अपना जो आंसर होगा नाइन्थ का, क्या होगा, ए. तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस भी आते हैं जो आप वैसे भी कर सकते हो. फिर देखो, आपको बोल रखा है, मैंने आपको जॉब डिज़ाइन बताया था. जॉब डिज़ाइन में क्या बताया था, जनरली ये पता चल जाता है कि क्या ड्यूटीज़, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरली होगी, यानी टास्क कैसे किया जाएगा जॉब को कंप्लीट करने में, जनरली ये बताया था. तो ये बोल रखा है कि देखो, उसमें मैंने बताया था हाउ, व्हाट, यानी क्या, कैसे, किसी टास्क को करने में कितने ऑर्डर लगेंगे, यानी किस ऑर्डर में काम होगा पर्टिकुलर. जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर जॉब में बहुत सारे टास्क हैं. टास्क क्या क्या होंगे, आपको पहले अकाउंटिंग पूरी करनी पड़ेगी पर्टिकुलर पार्ट की, आपको सारे रिपोर्ट्स से मंगानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद क्या करने पड़ेंगे, अकाउंट फाइनल करने पड़ेंगे. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करने का करना पड़ेगा पार्ट को. फिर आपको सॉफ्टवेयर में उसको एक तरीके से फाइल करना पड़ेगा. तो बहुत सारे पार्ट हो गए. तो ये बोल रहा है कि जॉब डिज़ाइन रिलेट्स टू द मैनर इन विच टास्क आर पुट टुगेदर टू फॉर्म कंप्लीट जॉब. तो उसमें एक तरीके से ये पता रहता है कि पर्टिकुलर जॉब पोजीशन क्या क्या है, उससे रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज़, टैक्सेस क्या है, सॉरी, ड्यूटीज़, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वर्कर की. तो मैंने आपको बताया था ये कब आता है, जॉब एनालिसिस के बाद आता है. जॉब एवोल्यूशन के अंदर जॉब एनालिसिस आता है और उसके बाद जॉब डिज़ाइन का पार्ट आता है, ठीक है. क्योंकि जॉब एवोल्यूशन में हम जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देखते हैं और स्पेसिफिकेशन देखते हैं. डिटेल में जाना है, पिछली थ्योरेटिकल वीडियोज़ देख लीजिए. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ये मैंने जब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट बताया था, तब आपको बताया था. तो हम बोलेंगे हाँ, ये दोनों जनरली पार्ट हैं. तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू. और याद रखना, मैं ये डिटेल में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी ले लिया था. तब मैंने बोला था कि जॉब डिज़ाइन आपको यहाँ बता दूंगा, और जब मैंने मैट्रिक्स का लिया था तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में बता दिया था. तो ये क्वेश्चन वहाँ भी हो चुका है, ठीक. तो दोनों ही ट्रू है. 11th का देखो क्या बोल रहा है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रोवाइड दैट. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रोवाइड दैट ऑल लेबरर्स शुड बी असाइंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क.
ठीक है, ये मैंने लाइन वहाँ लिखी हुई है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ जाके देख लेना। ये तो बिल्कुल ठीक है कि सारे जो भी लेबरर्स होते हैं उनको क्या होता है, अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क दिया जाता है। तो अब देखो चार ऑप्शन थे, उसमें से एक ही पता ना था तो बाकी वैसे ही रॉन्ग है। फिर भी पढ़ लीजिए, ऑल लेबर शुड बी पुट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। क्या अलग अलग टाइम पीरियड में उन्हें काम देना चाहिए? ऐसा नहीं है, जो वर्किंग आवर होंगे उसके हिसाब से क्या होगा, वर्क अलग अलग होगा, टाइम पीरियड अलग अलग नहीं होगा, नॉर्मल पार्ट है। दोज हु प्रोड्यूस अबव स्टैंडर्ड शुड रिसीव हायर वेजेस, गलत है। जो अगर स्टैंडर्ड तक पहुँच जाते हैं उसके बाद चाहे हायर पर पहुँच जाएँ, यानी जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक हफ्ते में, एक वीक में 50 यूनिट बनानी है, अगर वो 50 या उससे ज़्यादा बना लेते हैं, 50 भी बना लेते हैं, तो उनका उनको क्या मिलेगी, हायर वेजेस मिलेगी। हायर वेजेस का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल रेट चल रही है, मान लो कि एक पीस बनाने के उनको कितने दे रहे थे हम, 200 रुपीज़ दे रहे थे, तो उसका 120% मान लो। मैंने बताया मेरी कॉस्टिंग की बुक के हिसाब से जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें क्या है, या आपने अपनी भी कॉस्टिंग की बुक में देख लेना, जनरली सेकेंड ईयर जब भी आपके चलता था, हमारे सेकेंड ईयर में था बीकॉम, तो उसमें जनरली या एमकॉम में भी जनरली कॉस्टिंग होती ही है, तो 200 का 120% आपका आता, तो इसका मतलब 240 देने पड़ते ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक, अगर स्टैंडर्ड तक पहुंच जाते आप। अगर स्टैंडर्ड से कम होते तो 200 का 80% देते, तो जो नॉर्मल रेट है उसका 120%, उसका 80% कब, अगर स्टैंडर्ड तक पहुँच जाते हैं, नहीं पहुँचते तो कम मिलता है, ठीक है। तो ये बोला दोज हो प्रोड्यूस अबव स्टैंडर्ड शुड रिसीव हायर वेजेस। अबव स्टैंडर्ड नहीं होता, बोलता कि अगर अबव और इक्वल टू स्टैंडर्ड, इक्वल भी बोल देता तो हम जनरली बोलते कि हाँ हायर वेजेस मिलती, दैट दोज प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड से जो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके कंपेरिजन में इनको हायर वेजेस मिलेगी, हाँ पता है, लेकिन अगर इक्वल होता कि स्टैंडर्ड आउटपुट के इक्वल निकालता तब हम क्या बोलते, इक्वल एंड अबव बोल देता तब सही रहता, तो इसलिए गलत है। पेमेंट शुड बी सेम ऑन ए फिक्स स्टैंडर्ड, देखो पर्टिकुलर कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं रहता इसमें, यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट नाम ही है, डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान, ठीक। तो उस केस में क्या है कि मैंने बताया कि बुक में दे रखा है लेकिन कहीं पे थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, जैसे आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, वेजेस मिलती जाएगी, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए पार्ट सही है। अब ये देखिए, इंडिकेट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन। अब देखिए यार, रैंकिंग मेथड, जॉब कंपेरिजन, क्वांटिटेटिव मेथड, जो मैंने बताया था कि जॉब एवोल्यूशन की मैंने वीडियो गलत कर दी थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो बना के सही करके बता दिया। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव को आप नॉन क्वांटिटेटिव भी बोलते हो, याद रखना, वैसे ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, पॉइंट रेटिंग एंड फैक्टर कंपेरिजन, जिसका पूरे के पूरे प्रोसेस भी हैं, स्टेप हैं, वो आपने देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले क्वालिटेटिव आता है, क्वालिटेटिव में सर ने क्या बताए थे, सर ने बताए थे रैंकिंग और ग्रेडिंग, ग्रेडिंग को क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन दोनों सेम नाम लिख दिए, ठीक है, फैक्टर कंपैरिजन है लेकिन साथ में उसमें रैंकिंग भी जोड़ दिया, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी जोड़ दिया, गलत हो गया। रैंकिंग मेथड एंड जॉब कंपैरिजन मेथड, जबकि है क्या, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक, तो रैंकिंग भी जोड़ दिया और जॉब कंपैरिजन भी जोड़ दिया, ये भी वैसे ही कर दिया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या है, बी क्वांटिटेटिव का। टाइप देख लेना और क्या, सीधी सी बात है, तो 12 का क्या आएगा, बी। फिर इसके बाद आपको बोल रहा है 13 का, जॉब एवोल्यूशन इज अ टेक्निक ऑफ असेसिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब इन कंपैरिजन विद अदर्स थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के दौरान एक तरीके से आप कंपैरिजन करते हो दूसरे डिपार्टमेंट से, और जॉब की वर्थ क्या करते हो, डिसाइड करते हो, बिल्कुल ठीक है, गलत तो ये मैं कह ही नहीं सकता कि गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो कि दूसरे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन का भी करते हो पार्ट, लेकिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन भी तो करते हो, सबसे पहले तो यही करते हो कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पर्सन की क्या सैलरी होगी, मैनेजर की क्या होगी, पियोन की क्या होगी, डायरेक्टर की क्या होगी, वो भी तो करते ही हो। स्टेटमेंट 2, जॉब एवोल्यूशन एंड जॉब रेटिंग आर वन एंड द सेम फॉर एम्प्लॉयज़ अप्रेजल पर्पस। देखो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल का पर्पस देखना है तो वो तो परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी एम्प्लॉय की, तो वो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है पहली बात तो, और सीधी सी बात है जॉब एवोल्यूशन और जॉब रेटिंग की बात कर रहा है, तो जॉब एवोल्यूशन क्या है, एक पर्टिकुलर असेसमेंट की टेक्निक है ये बोल रहे हैं, उसके अंदर जॉब रेटिंग आती है, ठीक है, उसके अंदर आपकी ग्रेडिंग आती है, उसके अंदर आपका फैक्टर कंपेरिजन आता है, उसके अंदर आपका जो ये ऊपर वाला मैंने बताया था पॉइंट रेटिंग आता है, हाँ ठीक, तो जनरली वो मेथड आते हैं उसके अंदर, तो जॉब एवोल्यूशन के अंदर आएगा जॉब रेटिंग, तो ये बोल रहा है कि जॉब एवोल्यूशन एंड जॉब रेटिंग आर वन एंड द सेम, सेम तो नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। अब 14, जो कि एक तरीके से आपको आना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आ भी सकता है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, जॉब रोटेशन, इसका मतलब क्या हो, एक जॉब से दूसरे जॉब में मूव करना। सेकंड, देखो कितना सिंपल आया था 13 में, अगर यही पता रहता तो वैसे ही देखो ये अपना आंसर हो जाता, डी 14th का ही हो जाता डी।
अब देख लीजिए, जॉब डिज़ाइन इन्वॉल्व कंसाइसेस एफर्ट टू ऑर्गेनाइज टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टू ए यूनिट ऑफ वर्क टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पर्टिकुलर जो भी हम अथॉरिटी उसको डेलीगेट कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज टास्क डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, वो किसका पार्ट है, जॉब डिज़ाइन का, जिसमें पांच टाइप बताए थे, याद हो तो, क्या बताए थे, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट और जॉब री इंजीनियरिंग। जॉब इवोल्यूशन क्या होता है, देख लीजिए फोर्थ नंबर पे, द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमिन्ड फॉर पे पर्पज। ये बताया था मैंने कि जॉब की वर्थ पता करना, जिसके थ्रू आप एक तरीके से पे पर्पज पता कर सको, पे स्केल पता कर सको। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट में देखो, सीक टू इम्प्रूव बोथ टास्क एफिशिएंसी एंड ह्यूमन सेटिस्फेक्शन एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। जहाँ मैंने आपको ग्रोथ डेवलपमेंट ये बताया था, इसका मतलब आप नॉर्मल पोजिशन पे हो, या मान लो कि आप सुपरवाइजर हो, अब आपको मैनेजर बना दिया गया, ठीक, तो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, एडवांसमेंट होता जा रहा है, ग्रोथ होती जा रही है आपकी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है आप में, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, डिसीजन मेकिंग की अप्रोच आप में जनरेट हो रही है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 2143। अब 15 देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी इंसेंटिव टू सेल्स पीपल, बोनस, स्टाफ मीटिंग, ट्रैवलिंग अलाउंस, बोथ बी एंड सी। देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या करना, इंसेंटिव ढंग से पढ़ना, नहीं तो आप बोलते हो कि सर ट्रैवलिंग अलाउंस भी तो इंसेंटिव होगा, तो इंसेंटिव पढ़ना, जो कि एक तरीके परफॉर्मेंस के लिए होता है, जबकि ट्रैवलिंग अलाउंस तो नॉर्मल कंपनसेशन का पार्ट होता है, तो मुझे पता है कि वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको पेमेंट वेमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इंसेंटिव थोड़ी है कोई। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी इंसेंटिव, जो मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं हो, मतलब नॉन मॉनेटरी पता करना है, ठीक, नॉन मॉनेटरी बोल रहा हूँ, मतलब इसमें से देखना है कि मॉनेटरी इंसेंटिव कौन सा नहीं है, ठीक, तो आपको पता है कि बोनस तो क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव होगा, बोनस तो क्या है, आप जनरली क्या होगा कि अगर वर्कर, कोई वर्कर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा तो पर्टिकुलर फॉर्म में बोनस भी जनरली मिल जाता है, और कुछ कुछ केस में क्या होता है, वो सैलरी के पार्ट में भी मिल जाता है, तो वो नॉर्मल कंपनसेशन का पार्ट भी होता है, तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक, कमीशन वमीशन आपको बताया था कि आपको एक तरीके से फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव के फॉर्म में मिल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मॉनेटरी इंसेंटिव क्या है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी इंसेंटिव, तो ये तो मॉनेटरी इंसेंटिव है। स्टाफ मीटिंग ये कहाँ से हुआ, ये तो एक तरीके से वर्कर को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो आपको बताया कि वर्कर पार्टिसिपेशन इंसेंटिव में आता है, तो स्टाफ की मीटिंग की ताकि उनका थोड़ा सा मोरल बूस्ट हो सके और मोटिवेट हो सके, उनके आइडिया हम शेयर कर सकें, ताकि वो ये सोच सके कि बिजनेस हमारे लिए सोच रहा है, तो हम बोलेंगे ये ठीक है कि जो मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है ये ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंसेज, अब देखो ट्रैवलिंग अलाउंसेज आपको पता है कि नॉट ए मॉनेटरी, तो इंसेंटिव है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, बी और सी दोनों ही मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, तो सिर्फ क्या है, बोनस मॉनेटरी इंसेंटिव। इसमें पूछा है कौन सा मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, तो स्टाफ मीटिंग और ट्रैवलिंग अलाउंस, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस तो एक तरीके से नॉर्मल कंपनसेशन का पार्ट है, तो वो इंसेंटिव में आता ही नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट वन है, इट इज़ नो बेटर टू पे एम्प्लॉयज़ फॉर लिटिल देन टू पे टू मच। देखो ये क्या टिपिकल वर्ड था इंग्लिश, थोड़ी सी थोड़ा सा आप समझोगे तो उस हिसाब से, किसी किसी को आ गई होगी, मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा था, तो मैंने इसका हिंदी थोड़ा करके देखा तो इसमें क्या बोल रहा है, या मैंने इसका हिंदी मान लो कि पेपर बहुत निकाल के देखा तो उसमें लिख रहा था, कर्मचारियों को कम कामों के लिए अधिक वेतन देना उन्हें कम वेतन देने से बेहतर है। यानी बोल रहा है कि कर्मचारी क्या कर रहा है, काम कम कर रहा है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, सैलरी जो ज़्यादा दे रहे हो तो उन्हें कम सैलरी देने से वो बेहतर नहीं है, ये बोल रहा है, मैं बेहतर है बोल रहा हूँ, बेहतर नहीं है, तो अब बताओ कि ये सही है या नहीं है, एक तो ये पूछा इसमें। दूसरा बोल रहा है कि स्टेटमेंट टू, कम्पिटेंट एम्प्लॉयज विल रिमेन कम्पिटेंट फॉर एवर। कम्पिटेंट मतलब क्या बोल रहा है कि जो एबल एम्प्लॉय होते हैं एक तरीके से, जिसमें कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, स्किल होती है, वो हमेशा ही कम्पिटेंट रहेंगे, वो हमेशा ही उनमें एबिलिटी रहेगी या हमेशा ही उनमें एक तरीके से स्किल रहेगी, अब आप ये बताइए। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, पहला स्टेटमेंट मैंने जो पढ़ा, क्या वापस पढ़ रहा हूँ आपको बता देता हूँ, कर्मचारी को कम काम के लिए अधिक वेतन देना उन्हें कम वेतन देने यानी कम सैलरी देने से बेहतर नहीं है, तो आप खुद सोचिए ये बिल्कुल सही पार्ट है। आप ये बताइए कि अगर कर्मचारी कम, एम्प्लॉय कम काम कर रहा है तो उसको आप ज़्यादा वेतन देने की करोगे क्यों, उन्हें तो आप क्या करोगे, कम ही सैलरी दोगे, तो कम, जितना कम काम करेगा उतना कम सैलरी दोगे, अगर वो एफर्ट ज़्यादा करेगा तो उस हिसाब से ज़्यादा सैलरी दोगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से क्या होगा, उसका पे स्केल भी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, स्किल भी बढ़ रही है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि कर्मचारी को अगर कम काम के लिए आप ज़्यादा वेतन दे रहे हो तो उन्हें कम वेतन देने से बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक। अगर ये बोलता बेहतर है तो हम क्या बोलते, गलत है। अगर नो नहीं लिखा होता
तो हम क्या बोलते हैं, गलत है। लेकिन स्टेटमेंट वन सही है बिल्कुल, कम काम के लिए कम सैलरी मिलनी चाहिए और ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये लाइन का। फिर स्टेटमेंट टू बोल रहा है कंपिटेंट एम्प्लॉय हमेशा कंपिटेंट रहेगा, सबने सही करा होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि कंपिटेंट मतलब क्या होता है, आप में कोई एबिलिटी है। अगर वो एबिलिटी आपकी कभी कभी क्या होती है, वो रहती भी नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं, सोशल चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जब आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं, ज़्यादातर तो किसकी वजह से होते हैं? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। सपोज करो कि आपने पहले सुना होगा मुनीम, मुनीम क्या करता था, अकाउंटिंग का काम करता था लोगों के, ठीक, तो वो मैनुअल काम करता था। अब उसने कंप्यूटर ही नहीं सीखा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, तब उसको अकाउंटिंग आती नहीं है, उसको अभी भी मैनुअल आती है, कंप्यूटराइज आती नहीं, तो अब उसकी जॉब धीरे धीरे करके जाती गई। अब उसको पहले कहाँ मिलते थे, उसको पहले टोटल मिलके 20 से 25 ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन मिल जाते थे जिनकी वो अकाउंटिंग कर लेता था। अब उसको जो रह गई वो एक ही रह गई या दो रह गई, जो कि सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी वाले भी अब क्या कर रहे हैं, कंप्यूटराइज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपको पता है कि धीरे धीरे वैसे ही उसकी एबिलिटी क्या होती गई कम होती गई। तो ये नहीं कि कंपिटेंट एम्प्लॉय हमेशा कंपिटेंट रहेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से मेन वही रीज़न है, उसकी वजह से वो जरूरी नहीं कंपिटेंट रहे, तो उसको सीखना पड़ता है हर समय। तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट वन करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक, याद रखना। उसमें ऐसा आया था उस वक्त के टाइम में, दिसंबर 12 में, स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू, स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स, ऐसे आता था। करेक्ट इनकरेक्ट एक ही तो बात है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 16 का सी। 17 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, इसका मतलब जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो देखो, नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कैसे कैसे देते हैं बताओ, सीधा ही दे देते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो आप देखिए कि कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, एडिशनल बोनस और मिनिमम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो देखो, एडिशनल बोनस क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज का कम वेस्ट किया, तो उसके बदले में उन्हें एक्स्ट्रा बोनस दिया गया। बोनस दिया गया तो अमाउंट में देंगे, जो कि फाइनेंशियल होगा इंसेंटिव। तो देखो यहाँ पे भी देख लेना, उन्होंने क्या करा, अपनी परफॉर्मेंस सुधारी, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जाके देखना, बहुत सारे बताए थे मैंने प्लान, तो आपको पता चल जाएंगे। जब मैंने टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान बताया ना, उसमें अगर आप कॉस्ट भी कम करते हो तब भी आपको क्या है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता है, तो वो क्या हो गया, बोनस के फॉर्म में मिल सकता है। परमानेंट जॉब, ये तो क्या है, नॉन फाइनेंशियल है। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, आपको पार्टिसिपेशन करा रहे हैं डिसीजन मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। और रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसलिए आपको उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, हायर पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है, आपके अचीवमेंट को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं एक तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे, बी सी और डी जो है वो है अपने नॉन फाइनेंशियल। जबकि क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल पूछा था, तो आंसर होगा ए। 17 का क्या हो गया, ए, ठीक। तो अपने हो गए सारे कंप्लीट और मैं भी थक गया, तो यहीं पे होती है अपनी वीडियो एंड। इसी तरीके से आपकी अगली वीडियो जो आएगी उसमें भी हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो अराउंड अपने हो जाएंगे 27-28, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।